तो भैया स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू फास्ट योर रिफ्लेक्शन एंड मूवमेंट्स के बारे में, कि अपने फास्ट एकदम रिफ्लेक्शन को आप तेज कर सकते हैं लाइक अ चाइनीज प्लेयरों की तरह। जैसे कि भाई वो अपने क्विक गन को आराम से, भाई मतलब कि आराम से आप स्क्वेड्स को वाइप कर सकते हैं, 1v4 1v2 आराम से ले सकते हैं। तो चलिए अपनी फर्स्ट चलिए अपनी पहले नंबर ट्रिक पे। तो पहले बता दूं आपको, इन सब के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी एंड प्रैक्टिस करने के लिए TDM में आना पड़ेगा। एंड आपको बता दूं कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे करें। देख रहे हो आप मेरा एकदम ऐसे ही रिकॉइल आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, क्राउच एंड फायर, क्राउच प्लस स्कोप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड भाई आपका बहुत ज़्यादा रिकॉइल कंट्रोल, यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 50% रिकॉइल कम हो जाएगा। उससे जैसे कि आप खड़े होके मार रहे हो तो उससे भाई बहुत कम हो जाता है। एंड ये भाई ट्राई करना आप भी, भाई बहुत कम हो जाता है। देख रहे हो भाई मेरा रिकॉइल, देख रहे हो वो तो एनिमी आ गए थे, वरना भाई रिकॉइल मेरा भाई सही है। ठीक है अब भाई एकदम लिख लो पीक एंड फायर, दो ऐसे ऐसे लिख लो, फिर कवर में जाओ, लिख लो कवर में जाओ, लिख लो कवर में जाओ, भाई निकल के मारो। जैसे कि भाई सामने से 1v4 बंदे आ रहे होते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। जैसे कि लिख लो कवर में जाओ, लिख लो कवर में जाओ, लिख लो कवर में जाओ, पिक फायर करो कवर में, पिक फायर करो कवर में। तो भाई एकदम, और भाई अपने एम को ना भाई कतई लॉक कर लिया करो, कि इस पहले सोच लिया करो कि भाई किस पे मारना है, इस पे मारना है तो भाई उसी पे ही सारा एम रखा करो। और भाई ऐसे पीक एंड पीक जिगल ऐसे कहते हैं भाई, पीक एंड जिगल। और भाई ऐसे क्विक क्विक गन चेंज करना है ऐसे कहते हैं भाई, मतलब कि अभी मैं जस्ट बैठा और एकदम उठ गया तो भाई इसे कहते हैं क्विक गन चेंज करना। जैसे कि चाइनीज प्लेयर करते हैं बहुत बार, भाई चाइनीज प्लेयर भाई ओपी हैं भाई, ऐसे ही करते हैं ना एकदम। तो भाई ये कैसे करना है आपको, सिंपली प्रोन, पहले प्रोन वाले बटन को दबा देना, फिर गन चेंज करते हैं उसको दबा देना, जौन सी गन निकालनी है आपको उस पर क्लिक कर देना है, पहले प्रोन करना, फिर आपको जौन सी गन चाहिए उस पर क्लिक कर देना। सो भाई ऐसे आप कर सकते हैं। एंड भाई जिगल जिगल भाई आपको हर चीज, हर मुंह में, हर उस पे देना है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है आपको हर हर बार देना है जिगल। भाई जिगल भाई बहुत मायने वाली चीज़ है। एंड पीक एंड फायर का भाई बहुत यूज़ होता है। जैसे कि सामने सामने से चार बंदे आ रहे हो और आपके पास कोई कवर हो तो आप आराम से पीक एंड फायर करके इजीली स्क्वाड्स को वाइप कर सकते हो भाई, आराम से 1v4 निकाल सकते हो। ठीक है अब देख रहे हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वो मेरा थोड़ा अटक रहा है, नहीं तो भाई बहुत अच्छा होता है पीक एंड फायर। ठीक है वो मेरा थोड़ा उसमें पड़ जाता है, तो लिख लो पीक एंड फायर दबाओ, क्राउच करो कवर में जाओ, पीक फायर करो क्राउच करो कवर में जाओ। तो भाई ऐसे भाई करके भाई आप बहुत मतलब कि इनकी भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मेरे ये देखो अभी मेरा ये खड़े हो खड़े मतलब कि खड़े का फायर है, अब ये देखो क्राउच पीक फायर, देख रहे हो भाई रिकॉइल कहाँ से लेके कहाँ तक कम हो गया। मतलब कि भाई ये कि एकदम से बैठो एंड फायर करो, एकदम से बैठो फायर करो, एकदम से बैठो फायर करो, पीक क्राउच फायर क्राउच फायर क्राउच फायर क्राउच फायर क्राउच फायर। ठीक है अब प्रोन करके अगर स्प्रे दोगे तो भाई आपका लेज़र स्प्रे जाएगा, एकदम लेज़र भाई, लेज़र से भी लेज़र ही स्प्रे जाएगा भाई। एंड भाई अब आपको करना होगा भाई सेंसिटिविटी चेंज, अगर भाई आपको ये सब करना है तो भाई अगर इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो आपको सबसे पहले अपनी अच्छे से कोई सेंसिटिविटी देखनी है कि हाँ भाई ये मेरे लिए सही है, तो भाई उसको उसको आप उसको अपने ऊपर ट्राई करना, मतलब कि अपने डिवाइस के ऊपर। एंड आराम से भाई देखो पीक जिगल जिगल लो भाई, क्राउच करो क्राउच करो भाई, क्राउच हर चीज़ में करो भाई, क्राउच करो। ठीक है आप मतलब कि मुझको देख रहे हो भाई, मैं क्राउच प्लस फायर, क्राउच फायर एंड इसको भाई तीनों के तीनों एक साथ कर रहा हूँ भाई, ने इतू सा भी डिले नहीं है। एंड जिगल जिगल भाई देखो हर चीज़ में देना है आपको जिगल, और देख रहे हो मतलब कि एकदम ऐसा होटा जाता है, मतलब कि सामने एनिमी है उसका ऑन द स्पॉट प्रोन वाला ऊपर वाला बटन दबा के उठ के गन चेंज करके एकदम फिनिश भाई। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, आपके रिफ्लेक्शंस एंड मोमेंट्स में भी फ़र्क पड़ेगा इससे। एंड आप ऐसे करके भी भाई
बंदे को एकदम कंफ्यूज कर दो कि भाई वो सोचेगा कि भाई एम मैं करूं तो करूं कैसे। भाई आप जिगल दोगे प्लस क्राउच करोगे, जिगल क्राउच से भाई बहुत बहुत बुरा एम हो जाता है भाई। अगर सामने वाला प्रो प्लेयर होगा तो उसके उसकी भी 50% हेल्थ जाएगी एंड आपकी भी जाएगी, क्योंकि भाई वो भी प्रो है, उसने भी प्रैक्टिस की है। तो भाई यही है कि प्रैक्टिस का ही सब रहा खेल है एंड प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। तो भाई अपने आप जैसे कि गन स्विच करने की रिफ्लेक्शंस जो हैं वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। देख रहे हो मतलब कि जैसे सामने आमने हमारा भाई गन चेंज करी पेल दिया, अब सामने से बंदा आ रहा है गन ली पेल दिया, भाई ऐसे कर सकते हो। अगर आप सिंपल करोगे तो भाई आपको बहुत टाइम लगता है एंड ये आपको भी पता होगी। भाई ऐसे करके भाई आप का बहुत मतलब कि इजी इजी कर सकते हो एंड ये भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। आपको प्रोन पहले प्रोन वाला बटन दबा देना है, फिर आपको जो कौन सी गन चाहिए उस पर क्लिक कर देना है, जो आपके पास हो जो से आपको चाहिए उसको आपके उस मतलब कि गन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। एंड भाई अगर माफ़ कर देना भाई अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई मुझे आप दोबारा बता देना, मैं एकदम प्रॉपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। एंड भाई तो आज के लिए बस इतना ही था एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।